नमस्कार दोस्तों जी, है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। ये देखिए तो दोस्तों, इस फ़ोन में आ चुका है एक फिर से नया अपडेट, जिसके लिए मैंने इस वीडियो को शूट किया है। तो आज इसी अपडेट के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके कि ये जो अपडेट इस फ़ोन में आया है, क्या ये अपडेट आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूँ वो अपडेट। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये जो अपडेट है अपने फ़ोन में डाउनलोड तो कर लिया है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वाईफाई से कनेक्ट है, ऑटोमेटिक उस पर लगा हुआ है कि वाईफाई से कनेक्ट होते ही ये डाउनलोड हो जाता है। तो ये डाउनलोड तो हो गया था दोस्तों मेरे फ़ोन में, जिसका जो साइज़ है वो है 450 MB के आसपास का। लेकिन इंस्टॉल दोस्तों फिजिकली करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता। तो इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि मैं चाहे जब कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इसको इंस्टॉल किया नहीं है, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी थी और आपको बताना था। तो दोस्तों देखिए, ये जो अपडेट है, इस अपडेट में हमें सबसे बड़ा जो अपडेट हमें मिला है वो है सिक्योरिटी पेज लेवल का, क्योंकि जो दोस्तों हमें हर महीने मिलता है। तो देखिए, हमारा सिक्योरिटी पेज लेवल हो चुका है 1 अक्टूबर 2024 का, और हमारा जो यू आई वर्जन वो सेम है 1.6.1, और एंड्रॉयड वर्जन भी 14 है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये अपडेट जो है हमें करना ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब हमारे फ़ोन में लास्ट अपडेट जो आया था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ये लास्ट अपडेट जो था, सॉरी दोस्तों वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इससे पहले दोस्तों एक अपडेट आया था हमारे फ़ोन में, जो कि दोस्तों 3 GB के आसपास का था। उस अपडेट को करने के बाद हमारे फ़ोन में दोस्तों कई सारे चेंजेस होके मिले थे, जो दोस्तों हमारे फ़ोन में जो तो होते हैं ना, ये एप्लीकेशन के आइकॉन वगैरह वो चेंज हो गए थे, और काफ़ी सारे फीचर्स जो गैलरी में आए थे AI वगैरह के। तो उससे क्या होता है कि जो फ़ोन का दोस्तों जो टेम्परेचर वगैरह होते हैं, बैटरी हेल्थ होती है दोस्तों, वो डाउन होती रहती है, बैटरी काफ़ी जल्दी जल्दी हमारी कंज्यूम होती है। तो ये जो अपडेट है ये इसी वजह से इस फ़ोन में अभी आया है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी कोई बड़ा अपडेट आता है उसमें हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और उन दिक्कतों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए फिर से हमें एक अपडेट मिलता है नया वाला, जिससे सारी जो दिक्कतें होती हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ से हो रहा है, डिवाइस स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट बग फिक्स न्यू एंड और इनहेंस फीचर्स। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपके जो डिवाइस में स्टेबिलिटी वगैरह है और जो बग्स हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं, और कुछ हद तक न्यू फीचर जो है इनहेंस कर दिए गए हैं। तो अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट हो रहा है तो फटाफट से कर लो। मैं दोस्तों दावा करता हूँ कि इस अपडेट को अपने फ़ोन में डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन में जो बैटरी है वो पहले के मुताबिक दोस्तों थोड़ी एक्स्ट्रा चलेगी, आपका फ़ोन थोड़ा एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ देगा। और यहाँ पर देख सकते हो, डिवाइस इज प्रोटेक्ट विद इम्प्रूव सिक्योरिटी, और आपकी सिक्योरिटी पिछले लेवल भी इसमें इम्प्रूव कर दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ये जो अपडेट है आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल क्यों करना चाहिए, और करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।